आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर में स्वागत है। तो आज जो हमारा नया वीडियो बना है वो जनरल साइंस के बायोलॉजी के ऊपर है, जिसमें मैंने टॉपिक चुना है विटामिन। तो इसमें विटामिन ए बी सी डी ई और के, छह तरह के विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फूंक ने प्रतिपादित किया था, यानी कि जो वैज्ञानिक था उसका नाम था फूंक। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, और वसा यानी फैट्स में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए डी ई और के। अब विटामिन ए के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका स्रोत जो है वो है फिश रिवर ऑयल, टमाटर, गाजर, मक्खन, फल और अंडे की जर्दी। इसकी कमी से क्या होता है? तो रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, दोषपूर्ण दांत और बीमारी, संक्रमण, त्वचा परिवर्तन, ये सब होते हैं विटामिन ए की कमी से। अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी के टोटल 8 टाइप्स होते हैं जो कि मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला है विटामिन B1, जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। मांस, बीज वाले अन्न, दूध, सोयाबीन, चिकन, अंडा, ये सब विटामिन B1 के स्रोत है। भूख और वजन घटना, वृद्धि रुकना, पेट की खराबी, बेरी बेरी और थकान, इन सब की वजह से, यानी कि ये सब किसकी वजह से होते हैं? विटामिन B1 की कमी से होते हैं। अब आते हैं विटामिन B2, जिसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसका स्रोत क्या है? मांस है, हरी तरकारी, दूध, सोयाबीन, चिकन, अंडा, ये सब विटामिन B2 के स्रोत है। धुंधली दृष्टि, जीभ पर छाले पड़ जाना, रोशनी ना सह पाना, असमय बुढ़ापा आ जाना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होते हैं। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, जिसका स्रोत है मांस, लीवर, गुर्दा, दूध, अंडा, यीस्ट। तो पैरों में जलन होना, पेशियों में लकवा, ये सब जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? निक्टोनिक एसिड या फिर नियासिन, जिसका स्रोत है मीट। मीट यानी मांस जो है लगभग विटामिन बी के हर टाइप का स्रोत होता है। मूंगफली, मक्खन यानी पीनट बटर, आलू, टमाटर। पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना या फिर त्वचा पर घाव, जीभ में चिकनाईपन आ जाना, ये सब विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 या जिसका वैज्ञानिक नाम है पेरिडॉक्सिन, यानी कि यकृत, मांस और अनाज इसका स्रोत है। त्वचा रोग, दिमाग का ठीक से काम नहीं करना, एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B7 जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटिन, मांस, अंडे, दूध और यकृत जो है इसका इसका स्रोत है। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B9 जिसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक एसिड, इसके स्रोत क्या है? हरी तरकारियाँ, यकृत, सेम, यीस्ट और अंडे। यीस्ट यानी कि खमीर। और एनीमिया और पेचिस रोग जो होता है विटामिन B9 की कमी से हो सकता है। विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबामेलिन, यानी इसका जो स्रोत क्या है? यकृत यानी लीवर। और इसके कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, यानी रुधिर की कमी हो जाती है। तो ये थे हमारे विटामिन बी के 8 टाइप्स। अगला है विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका स्रोत क्या है? पत्ती वाली सब्जी, टमाटर, संतरा, नींबू, खट्टा पदार्थ, आंवला, ये सब इसके स्रोत है। इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? मसूड़े फूल जाते हैं, जरा सी चोट लगने पर खून निकलने लग जाते हैं, जिसको स्कर्वी रोग कहते हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसका सोर्स क्या है? मछली की यकृत का तेल यानी फिश लिवर ऑयल, दूध, सूर्य प्रकाश यानी धूप, जो सूर्य की रोशनी होती है, अंडे। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग। रिकेट्स में क्या होता है? जो छोटे बच्चों में अक्सर होता है ये, उनके पैर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं और दांतों पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं विटामिन डी की कमी से। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफेरोल। इसके स्रोत है पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना, ये इसकी कमी से प्रभाव है। विटामिन के,
का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, सोयाबीन तेल, टमाटर। आंतों में जीवाणु द्वारा संश्लेषण। आंतों में जो हमारे जो पेट की जो आंत होती है उसमें जो जीवाणु द्वारा संश्लेषित किया जाता है, उस विटामिन को हम लोग विटामिन के बोलते हैं, यानी विटामिन के वहाँ से भी उत्पन्न होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? खून बहना, ऐंठन, यानी खून बहने से खून का जो बहाव है उसको रोकने के लिए शरीर में विटामिन के का होना जरूरी है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रेटेनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर होगा रेटेनॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, थायमिन, पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल, सी। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, बायोटिन, नियासिन। तो इसका सही आंसर होगा बायोटिन। अगला है क्वेश्चन है इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, साइनोकोबामेलिन, फिलोक्विनोन। तो इसका सही आंसर होगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी, यानी कि वसा जल में जो घुलनशील होते हैं उसमें सिर्फ दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी ए, के, डी और ई जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है मांस, अंडा, दूध खाने से किस विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। मूंगफली का मक्खन यानी जो पीनट बटर होता है उससे किस विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B5। मूंगफली का मक्खन यानी जो पीनट बटर होता है उससे किसकी पूर्ति होती है? तो विटामिन B5 की पूर्ति होती है। इनमें से क्या विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? नींबू, संतरा, सोयाबीन तेल, मछली के यकृत का तेल। तो इसका सही आंसर होगा मछली के यकृत का तेल, यानी फिश लिवर ऑयल। अगला क्वेश्चन है नींबू, संतरा, नारंगी खाने से किस विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। इनमें से क्या विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है? बीज वाला अन्न, सूर्य प्रकाश, ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य प्रकाश। इनमें से क्या विटामिन के का स्रोत है? सोयाबीन तेल, अंडे, गाजर। तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन तेल। इनमें से क्या विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है? रुधिर की कमी यानी खून की कमी, रतौंधी, हड्डी कमजोर होना। तो इसका सही आंसर होगा रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से क्या विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रभाव है? दांतों के रोग, जनन शक्ति कम होना, पाचन में गड़बड़ी। तो इसका सही आंसर होगा जनन शक्ति कम होना। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी यानी कि जरा सी चोट लगने पर जब खून निकलने लग जाता है तो उससे स्कर्वी रोग कहते हैं, यह किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है? रुधिर की कमी, मसूड़े फूलना, रिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। रिकेट्स जो होता है एक सूखा रोग होता है जिसमें बच्चों के पैर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। पेशियों में लकवा और पैरों में जलन की कमी से होने वाला प्रभाव है, यानी कि किसकी कमी से ये चीज़ होता है? तो विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B3। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B3। बेरी बेरी जो होता है कुपोषण जन्य रोग होता है, किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन B3। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है दांतों का सड़ना या फिर कमजोर दांत किस विटामिन की कमी से होने वाले प्रभाव है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी।
इनमें से क्या विटामिन B7 की कमी से होने वाला प्रभाव है? दांतों के रोग, बालों का गिरना और समय बुढ़ापा आना। तो इसका सही आंसर होगा बालों का गिरना। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, जीभ पर छाले पड़ना किस विटामिन की कमी से होने वाली प्रभाव है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B2। इनमें से क्या विटामिन सी की कमी से होने वाला प्रभाव है? रुधिर स्राव यानी कि खून बहना, त्वचा रोग, हड्डी कमजोर होना। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो हड्डी कमजोर होना, यानी कि इसका सही आंसर होगा हड्डी कमजोर होना। रुधिर यानी खून बहने को रोकने के लिए और पेट की जो आंतों में जीवाणु द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सी है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन टमाटर में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के यानी टमाटर में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ई। इनमें से कौन सा विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन यकृत यानी लीवर और यीस्ट में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन त्वचा और झिल्ली की कोशिकाओं के कामों के लिए आवश्यक है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। तो ये था आज का हमारा वीडियो विटामिन्स के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आप के क्वेश्चंस कितने करेक्ट आपने किए ये प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।